वेलकम दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसे दोस्तों हम अब बात करने वाले हैं कि ओप्पो F21s Pro मोबाइल में दोस्तों आप जैसे अपने स्क्रीन पर डबल टैप करते हैं आपके मोबाइल में स्क्रीन ऑन हो जाता है और जैसे डबल टैप करते हैं स्क्रीन ऑफ हो जाता है। दोस्तों आप इसको कैसे इनेबल करेंगे या दोस्तों इस सेटिंग को कैसे ऑन करते हैं, दोस्तों डबल टैप सेटिंग को कैसे ऑन करेंगे, दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है और जैसे ही मोबाइल की सेटिंग को ओपन करेंगे तो आपको मोबाइल में कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाता है। आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है गेस्चर एंड मोशन का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको स्क्रीन ऑफ गेस्चर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे स्क्रीन ऑफ गेस्चर का ऑप्शन देखने मिल जाता है तो आपको इसके सामने ठीक है उस टिक को इनेबल कर देना है। जैसे इनेबल करेंगे डबल टैप टू वॉक और टर्न ऑफ स्क्रीन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, उसको भी यहाँ से इनेबल कर देंगे। जैसे इसको इनेबल करेंगे तो आपके मोबाइल में जैसे स्क्रीन पर डबल टैप करते हैं तो आपका स्क्रीन ऑफ हो जाएगा और जैसे ही डबल टैप करेंगे आपका स्क्रीन ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो सही कर मिले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक से। बाय बाय, टेक केयर।